पूछो मैं हकलाता क्यों, यारों मैं पछताता क्यों। रिदा तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है, नंबर दो मुझे उसका। नोट करें। बोलो। 03 फोन नहीं उठा। मुझे नहीं पता। अरे दिलबर, एक मिनट। एक बात सुन, तेरा नाम जुहाब है और तू रिदा नामी लड़की के साथ डेट कर रहा है। तुमने मुझे गलत नंबर तो नहीं दे दिया? कसम से अम्मी, सही नंबर दिया है। उसकी माँ की कौन है? उसकी माँ तुझे जो कहे तूने हाँ हाँ करनी। वो कहे रिदा को छोड़ दे, तू कहे आज मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं अटेंड कर रहा हूँ कॉल। अबे बात करते, बात कर। हेलो, कौन बात कर रहा है? मैंने पूछा कौन बात कर रहा है। साहब बात कर रहा हूँ जी। रिदा की माँ बात कर रही। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? स्कूल से भागकर मिलते हो। तुम्हारे पेरेंट्स तुम दोनों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं और तुम उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हो। एड्रेस दो मुझे अपना, मैं अभी तुम्हारे पेरेंट्स से बात करती हूँ। एड्रेस? नहीं जी, मैं आइंदा के बाद उससे नहीं मिलूंगा, बल्कि मैं उसे अपनी माँ बहन समझूंगा। प्लीज मेरे माँ बाप को मत बोलना। अगर तुम वाकई चाहते हो कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से ना मिलूं, तो आज के बाद तुम रिदा से नहीं मिलोगे और रिदा भी तुमसे नहीं मिलेगी, समझे तुम? भाई ये किस चक्कर में मुझे फंसा रहे हैं आप? गरीब आदमी हो कुछ ऐसा। तुझे कुछ भी नहीं होगा, तूने इतनी नेकी का काम किया है। एक बेचारी लड़की को उसके माँ बाप के गजब से बचाया, क्या बात है, है? काम कर। उस वक्त ना मुझे उसकी बात पे बहुत गुस्सा आया था। मैंने सोचा वो कौन होता है मुझे जज करने वाला, लेकिन अब मुझे अंदाजा हुआ है उसने बिल्कुल ठीक कहा। एक एक बात उसकी बिल्कुल सच निकली। सच हमेशा कड़वा ही होता है, आसानी से हजम कहाँ होता है। अच्छा खैर, तुम्हें एक आइडिया दूँ। अगर तुमने उसके साथ अटैच होना है तो उसका एक ही तरीका है। क्या? देखो ये तो हमें पता है कि वो बहुत डेयरिंग इंसान है, ऐसी बात करता है या ऐसा काम करता है जो आम लोग नहीं कर सकते। तो तुमने करना ये है कि उसे बिना बताए उसे फॉलो करो और उसे किसी स्ट्रेंज सिचुएशन में इन्वॉल्व देकर उसकी वीडियो बनाकर पोस्ट कर दो। उससे होगा ये कि तुम्हारा एडवेंचर भी हो जाएगा, तुम उसे जान भी लोगे और फिर तुम नहीं वो तुम्हारे पीछे आएगा। कैसा आइडिया? अच्छा है, लेकिन इस काम के लिए हमें स्कूटी चाहिए होगी। कौन सा, मैं मना करूंगी तो तुम नहीं लेकर जाओगी। हो जाओ, काम तो करने दो। ठीक है, कर लो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। व्हाइट वाली फिश नजर नहीं आ रही सर। मछलियाँ कभी कभी पत्थरों में भी छुप जाती हैं, देखिए इसलिए आपको नजर नहीं आ रही। पत्थरों में? अभी नहीं गुलजार, मैं बहुत बिजी हूँ। शाम को जाते वक्त दिखाना मुझे काम अपना। हाँ ओके।
तो कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए स्कूल नहीं आए। अगर ऐसा था तो तुम्हें सिक एप्लीकेशन अपने पेरेंट्स से साइन करवा के यहाँ सबमिट करवानी चाहिए थी। अब मजबूरन मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को शिकायत लगानी पड़ी। देखो बेटा, अपना फ्यूचर दांव पर मत लगाओ। जानती हूँ कि एजुकेशन हार्ड एंड बोरिंग है, लेकिन हार्ड एंड बोरिंग? हाँ, अब असल बात आई आपकी जबान पर। जब हम 5 साल के होते हैं तो ये हार्ड एंड बोरिंग का काम शुरू होता है। 20 से 24 साल तक ये हार्ड एंड बोरिंग पर प्रैक्टिस चलती है। ज़िंदगी के इन 20 हार्ड एंड बोरिंग सालों में हम 1000 मरतबा स्ट्रेस लेते हैं, और हमारे पेरेंट्स भी लेते हैं, क्योंकि वो हमें फर्स्ट पोजीशन लेते हुए देखना चाहते हैं। क्या 20 साल हार्ड एंड बोरिंग ज़िंदगी गुजारने के बाद इंसान बाकी की ज़िंदगी बगैर बोरिंग गुजार सकता है? अगर इसने 20 साल हार्ड एंड बोरिंग जिंदगी गुजारने की प्रैक्टिस की हो। शट अप, आई सेड जस्ट शट अप। मुझे मालूम है तुम अपने चचा की जुबान बोल रही हो। तुम्हारे बाबा ने बताया था मुझे उनके बारे में जब मैंने तुम्हें स्कूल से निकाला था, लेकिन याद रखो, इस बार कोई सिफारिश कबूल नहीं करूंगी। अब जाओ, जाके अपनी क्लास अटेंड करो। जवाब दिया है तुमने अंदर? I was shocked. कहाँ से सीखी तुमने ये सारी बातें जो अंदर की हैं? चाचा गुलजार से। वो कहते हैं लोग 1 महीना सिगरेट पीने के बाद मुश्किल से सिगरेट छोड़ पाते हैं। तो फिर हम 20 साल इस हार्ड एंड बोरिंग पढ़ाई के बाद बाकी की जिंदगी कैसे बोरिंग होना छोड़ देंगे? चाचू एजुकेशन के खिलाफ नहीं है, वो उस मेथड ऑफ एजुकेशन के खिलाफ है जिसे हार्ड एंड बोरिंग लोगों ने डिज़ाइन किया है, और इसे इंटरेस्टिंग होना चाहिए। बात तो ठीक कह रहे हैं वो। चाचू मेरा आईना थे, मेरे एक दोस्त थे वो। मैं अपनी हर प्रॉब्लम उन्हीं से तो शेयर करती थी। बाबा मामा ने उसे मेरा दोस्त छीन लिया। यार रिमशा, मुझे घुटन हो रही है, मुझे बाहर जाना है, प्लीज़ मेरी मदद करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। आज नहीं, एक आध दिन सबर करते हैं ना, ताकि उनका शक ख़त्म हो जाए। ठीक है। सर एक बात कहूँ? करो। सर आपको नहीं लगता ये मछलियाँ एक्वेरियम में कैद करके रखना सही नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा? सर देखिए ना, हमें जो चीज़ अच्छी लगती है हम उसे बंद करके रख लेते हैं। हमें लगता है हम प्यार कर रहे हैं, प्यार में छुपा गर्ज होता है, उसे गलत फहमी में प्यार बोलना शुरू कर देते। अब फॉर एग्जाम्पल बर्ड लवर्स जिस तरह होते हैं, सबसे ज्यादा वही बर्ड्स को गैग करते हैं, और जो डॉग लवर्स होते हैं उनको लगता है कि लीश में बंद कुत्ता उनका बेस्ट फ्रेंड है, बेचारा गुलाम बन जाता है। इंसान बाकियों के साथ यही कुछ करता है, बीवी शौहर के साथ, शौहर बीवी के साथ, बच्चों को कंट्रोल करके रखना शुरू हो जाते हैं। हमें लगता है हम प्यार कर रहे हैं, प्यार थोड़ी है सर। नेचर लवर होने का मतलब ये तो नहीं ना कि नेचर को कंट्रोल करना शुरू हो जाए। आपने मौलाना रूमी का वो शेर सुना है, कहता है बंद पिंजरे में परिंदा आपका प्यार, यानी इंसान का, आसमान पे उड़ता परिंदा मेरा प्यार यानी अल्लाह का। प्यार में कैद तो नहीं है, आजादी है। मौलाना रूमी ने ये शायरी परिंदों के लिए की,
मछलियों के लिए नहीं की, और परिंदों को तो मैंने कैद नहीं किया है? देखो खिड़की से बाहर देखो, गुटर गूंग करते फिर रहे हैं। देखो देखो गधे को कौन समझाए कि मौलाना रूमी ने परिंदों के लिए नहीं इंसानों के लिए की थी। जैनी तौर पे गधा ही है। पूछो मैं हकलाता क्यों, यारों मैं पछताता क्यों, रोटी खा गए बंदे सारे, अब तो भूख बची है पीछे, सच न निकला जाएगा ये, बस ये थूक बची है पीछे, बस ये थूक बची है पीछे। जल्दी आ जाओ बेटा, मार्केट जाना है। मेरी बीवी का ऑपरेशन है, अस्पताल में हूँ, बाकर नहीं आया। कुछ ना कुछ करता हूँ भाई। कान तू इधर है, पलवशा का क्या हाल? पलवशा वार्ड में है, 2 घंटे के बाद ऑपरेशन है, और उधर बिल्डिंग में सबका पानी खत्म हो, तो सब मुझे बार बार कॉल कर। एक मेहरबानी करो, ये दवाइयाँ पलवशा और ऊपर उसकी डॉक्टर के ऊपर में है, ठीक है, 5वें फ्लोर पे। मैं जाके बिल्डिंग में पानी भर आता हूँ। सब क्या कर रहे है, तेरी बीवी को तेरी जरूरत है, किधर जा रहा है? तो पानी भी तो भरना है भाई, तुम दवाइयां बचाओ, मैं पानी भर के फौरन वापस आता हूँ, ठीक है? जल्दी करना है खान। हाँ जी हेलो। हाँ रामीन बात कर रही हूँ, कहाँ हो? मैं एक हॉस्पिटल आया हूँ। कौन से हॉस्पिटल? ये क्यों, क्या हुआ? हाँ ना कुछ बात करनी थी, तो बताए। तो फोन पे कर लो ना। देखो एक्चुअली ना मुझे फेस टू फेस बात करनी है, तो मुझे लोकेशन भेज दे। अच्छा मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, भेज रहा सर। आप बैठे हैं, डॉक्टर साहब विजिट पर हैं, 5-10 मिनट में मिलेंगी। ओके। आप वेट करें वरना वो बाद में नहीं मिलेंगी, आज उनको 12 सिजेरियन करना है ना। कितने सर? 12। एक दिन में 12 सिजेरियन, बड़ी मुश्किल जॉब है भाई। प्लीज आप वेट कीजिए, थैंक यू। हेलो। हाँ गुलजार मैं आ गई हूँ, कौन से फ्लोर पे हो? 5th फ्लोर पे आ रही। हूँ
खान जल्दी से वापस अस्पताल आओ। खान वो इतना अहम नहीं है, लोग आधा घंटा वेट कर लेंगे। यहाँ मसला हो गया है, पलवशा को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है, बस तुम बाइक घुमाओ आओ खान बस। ओके ओके ओके, एवरीथिंग ओके? हॉस्पिटल में क्यों? गुलजार, कोई परेशानी है क्या? हाँ है, बस बाद में बताता हूँ। खान 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 खान, इधर आओ। पलवशा को ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, मैं इस अस्पताल से निकालना होगा उसे जल्द से जल्द। क्या पागल हो गया? डॉक्टर कहते हैं कि उसे ऑपरेशन की जरूरत है। डॉक्टर जो भी कहता है मेरी बात सुन, हमारे पास वक्त नहीं है। गुलजार, ये किसी हेल्थ का मामला है, हम इस तरह कॉम्प्रोमाइज रिस्क नहीं ले सकते। वो हेल्थ का मामला है इसीलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मैं बता, उसके पास फोन है। हाँ है, लाओ दो, बात करो। उस दशौर में हूँ, अपना भला बुरा नहीं जानते, मुझसे बात करो। मैं खान, तू इतना डरता है, मैं तुझे समझाऊंगा मसला क्या है, तू मेरी बात करा ना। हेलो शेरू, क्या बा? ओम बीबी, होश में हो? फोन रखो। पलवशा, गुलजार बात कर रहा हूँ। गुलजार भाई, ओ सुना नहीं तुमने? फोन बंद करो, रखो इसे। पलवशा, आपको याद है आपने मुझे कहा था कि गांव में आपकी सारी डिलीवरीज नॉर्मल तरीके से हुई थी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको गैर जरूरी ऑपरेशन नहीं करवाना तो आप बाहर आ जाओ, हम अस्पताल के बाहर खड़े हैं, जल्दी से आ जाओ। इधर फोन दो। पलवशा, मेरा भरोसा करो, यहाँ से निकलो, हम किसी और अस्पताल चले जाएंगे, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। फोन दो। नहीं जरूरत ऑपरेशन की। ओ बीबी, किधर जा रहे हैं? चलो अभी बैठो, तुम्हारा ऑपरेशन है। भाई आया है, जा रहे हैं। ओहो, अंदर आओ। मेरा भाई। सिर्फ चंद पैसे बचाने के लिए आप एक माँ और उसके बच्चे की जिंदगी के साथ खेलेंगे? कौन किसकी जिंदगी के साथ खेल रहा है ये मैं आपको भी समझाता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? निकले मेरे कमरे से बाहर। आ रहा हूँ मैं, आपको भी बताता हूँ, सब्र कर जाए। ये आपकी हॉस्पिटल की पॉलिसी बुक है ना, आप सारे डॉक्टर्स को फॉलो करते हैं। इसमें लिखा है कि अगर आप एक नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन में कन्वर्ट कर दें, उस डॉक्टर को 25,000 कमीशन मिलेगा। तो इसमें क्या गलत है? क्या गलत है, क्या गलत है? अपने कमीशन के लिए, हॉस्पिटल के प्रॉफिट के लिए आप एक नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तभी तो आप लोग एक दिन में 12-12 सिजेरियंस कर रहे होते हैं। एक औरत होकर आप किसी और की बेटी, बीवी, बहन के साथ ये कैसे कर सकती हैं? माँ मुकद्दस होती है, डॉक्टर मसीहा होता है, एक मसीहा मुकद्दस औरत को सर्जरी टेबल पे ऐसे लिटा के उसके साथ काटा पीटा कैसे कर सकती है? आप सोचें, आपके साथ या आपकी किसी बहन के साथ ये हो जाए तो आप क्या करेंगी? ये तो हॉस्पिटल पॉलिसी है, इसमें मेरा क्या कसूर है? ठीक है, हॉस्पिटल पॉलिसी है, हाँ खुद ही बता दिया उन्होंने, ये मेरे साथ है, चलो पान। खान, तुम बेगम को लेकर वापस आ गए?
आज ही था अभी जल्दी में वापस आके बताता हूँ। आप लोग के यहाँ पे कोई दाई वाई नहीं है क्या? है ना, बिल्कुल है। मैं कॉल करता हूँ। दाई? कैसे मशवरे दे रहे हो कुछ आप? पलवशे तुम इस आदमी की बातों में आओगी? तो किसकी बातों में आऊँ? तुम्हारी बातों में आऊँ? तुमने तो मुझे उस डॉक्टर खसाई के हवाले कर दिया था। अंदर चलते हैं। मैं दाई बुलाने जा रहा हूँ। इसने क्या वीडियो पोस्ट कर दिया? ये आपकी हॉस्पिटल की पॉलिसी बुक है ना, इसमें लिखा है कि अगर आप एक नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन में कन्वर्ट कर दें, उस डॉक्टर को 25,000 कमीशन मिलेगा। तो इसमें क्या गलत है? अपने कमीशन के लिए, हॉस्पिटल के प्रॉफिट के लिए आप एक नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? कोई है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे ऐसे पता चला मैं आ गई हूँ, चलें आप इधर हटें। शाबाश शाबाश, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह खैर करे, कुछ नहीं होगा। पुत्र मेरा नाम खतीजा दाई है, घबराना नहीं है, अब तू मेरे और अल्लाह के सपोर्ट है। मेरा बच्चा डर ना, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। हाँ सुंदस बोलो। ये तुमने क्या वीडियो पोस्ट की है? देख भी लिया और पूछ भी रही हूँ। मतलब ये तुमने फेसबुक पर पोस्ट की है? तुम्हें नहीं पता ये हॉस्पिटल माफिया कितनी पावरफुल होती है? अरे नहीं, अपने फेसबुक पे कहाँ पोस्ट किया है, वो याद नहीं है? वो ज्वेलरी का जो पेज बनाया था, ऑनलाइन ज्वेलरी का, रीड एक्सेसरीज के नाम से, वहाँ पोस्ट की है, फिर अपने वॉल पे शेयर की। बड़ी तेज नहीं हो गई तुम? तुम्हें पता है इस टेढ़े आदमी ने चौकीदार की बीवी को हॉस्पिटल से निकाल कर अपने घर ले आया है, और एक अजीब सी दाई है जो अब इसकी डिलीवरी कराएंगी। What? पागल तो नहीं है ये? पागल से भी आगे की चीज है ये। यार ये बहुत रिस्की है, वो एक माँ की जिंदगी दांव पर लगा रहा है। यार तुम आ जाओ ना, यहाँ तुम्हारी जरूरत है। अच्छा तुम फोन रखो, मैं वहीं पर आ रही हूँ। एकाकी ये फोन शोन छड़, परे कर, वेला देख पहले, फटाफट ये दवाइयां मुझे फौरन मंगवा के दे, जल्दी चल। शाबाश आ गई। आप ऐसा कैसे कर सकते हो गुलजार? आप लोग फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। भाई एक हॉस्पिटल नहीं, एक अपार्टमेंट है, यहाँ ऐसी कोई सहूलत नहीं। जो आप लोग मेरी जगह होते तो क्या करते? गुलजार मियाँ, ऑपरेशन मजबूरी होती है और लास्ट ऑप्शन भी। 12 सिजेरियन करने जा रही थी वो, 12 के 12 लास्ट ऑप्शन थे, कोई कमीशन के लिए नहीं कर रहा था कुछ। अगर मेरी बीवी और बच्चों को कुछ हुआ तो उनका खून का बदला आपसे लूंगा, माफ नहीं करूंगा। बदला? ये डॉक्टर ने ना दवाइयां मंगवाई, मेरा मतलब है दाई ने। ठीक है ऊपर।
सुंदर, तुम अभी भी मेरी जासूसी कर रहे हो? अब तो तुम लोगों को पता भी लग गया कि अमीन कहाँ है यार। सुंदर, मुझे तुमसे एक काम है। कैसा काम? मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं। प्लीज। अच्छा बोलो। यहाँ पर नहीं, हम किसी और जगह पर बैठकर बात कर सकते हैं, किसी भी कॉफी शॉप में या किसी रेस्टोरेंट में। मैडम, मैडम, क्या ये देखे, किसी ने आज की वीडियो पोस्ट की है। क्या गलत है? ओह माय गॉड, अपने कमीशन के लिए, हॉस्पिटल के प्रॉफिट के लिए, अब एक नॉर्मल डिलीवरी को, इसकी शेयरिंग तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये तो वायरल होने वाली है। उफ मेरे अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया, इससे तो मेरा करियर तबाह हो जाएगा। इतनी बड़ी हिमाकत मैंने कैसे कर दी, हॉस्पिटल पॉलिसी की बुक मैंने टेबल पर कैसे रख दी, ये तो डॉक्टर्स के लिए है। मुझे इसका जाला करना पड़ेगा, वरना बच्चे मुझसे सवाल करेंगे। मैं अपने अपने सर्कल में, अपनी फैमिली में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैडम, बाकी के जो 10 ऑपरेशन है उसका क्या करें हम? उनमें से 2 नॉर्मल डिलीवरीज नहीं है, उनका ऑपरेशन बहुत जरूरी है, और बाकी 8 हमारे गले पड़ने वाले हैं। किसी ने ये वीडियो देख ली तो वो मेरे खुदा। चलो चलो। मैडम, क्या मेरी बेगम की भी नॉर्मल डिलीवरी है? और मेरी बेगम आरिफा नाम है उसका। आरिफा मैडम, और मेरी बहन, मैडम पेशेंट नंबर 2 के लिए मैं क्या तुम रामीन की हर हरकत से हमें आगाह कर सकते हो? तुम मुझसे रामीन की जासूसी करवाना चाहते हो? देखो, मम्मी पापा को लगता है कि रामीन मेंटली डिस्टर्ब्ड है, वरना एक लड़की अपनी शादी, अपना घर छोड़कर कैसे जा सकती है? देखो, रामीन की डिसीजन की मुझे खुद समझ नहीं आती, मगर कुछ मैटर्स पर्सनल होते हैं, जिनके होते हैं सिर्फ उन्हीं को समझ आती है, और इसीलिए मैं रामीन की किसी भी पर्सनल मैटर में नहीं बोलती, और एज अ फ्रेंड मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ। सुंदर, मम्मी पापा तुम पे भरोसा करते हैं, रामीन तुम्हारे पास है, वो इसी बात पे मुतमईन है, क्योंकि उन्हें उस पर नहीं, उन्हें तुम पे भरोसा है। और हाँ, मैंने तुम पे बहुत गुस्सा किया अभी तक, लेकिन वो मुझे यही समझाते हैं कि तुम एक मछोर लड़की हो, और कभी भी एज ए फ्रेंड रामीन को किसी कुएं में नहीं गिरने दोगे। देखो, जो भी है, मैं तुम्हें रामीन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। प्लीज मायूस ना करो, हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा ठीक है ना? उसके लिवर पेन शुरू हो गए हैं, दवाइयाँ कहाँ हैं, गाय दवाई मांगे। ये क्या लो दवाइयाँ? अब पलमेशा का ख्याल रखना। हाँ हाँ, फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, फिक्र नहीं करो, मैं ले जाती हूँ। मैं जाऊँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपने तो मेरी आंखें खोल दी हैं, मैं यहाँ हेल्प करने आई हूँ। और डोंट वरी, मैं फीस नहीं लूंगी। आप ऐसे कहते मेरी बीवी का ऑपरेशन कर रहे थे? खान, ये मदद करने आई है, तुमको कर लेने दो। नहीं गुजरात, मुझे डर है ये कुछ गलत ना कर, सिर्फ इस बात को साबित करने के लिए कि ऑपरेशन केस था। मेरा ख्याल है अब ये गलत को ठीक करने आई है। रामीन, इन्हें लेके जाओ। आज कोई नहीं, कोई नहीं। अम्मा जी, ये मैं दवाइयाँ लेकर आई हूँ। अच्छा, ले आई है? हाँ, और ये लेडी डॉक्टर भी आई है मदद करने। अच्छा, वो पर दवाइयों वाली पर्ची दे मुझे फटाफट, पकड़ा इधर रख।
सलाम मैडम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं खतीजा दाई त्याणी और क्वालिफाइड हूँ यहाँ की। देखे जी, मैंने ना ये जो पर्ची पे दवाइयाँ लिखी, ये गलत तो नहीं ना लिखी? ऑलमोस्ट हम भी यही मेडिसिन यूज़ करते हैं, सेम फार्मूला है, बस कंपनी का थोड़ा फ़र्क होता है। तो आपने इनका बीपी और टेम्परेचर चेक कर लिया? बार बार कर रही हूँ। लेकिन आपके पास बीपी ऑपरेटर और थर्मामीटर नहीं है? हाय हाय, ये हाथ जो है जी, इन हाथों से चेक करती हूँ मैं तो मरीज की नब्ज पे हाथ रख के बीमारी की हिस्ट्री बता दूँ। हैं, जिस वक्त ये मशीनें नहीं थी ना, उस वक्त भी मैं ना जचगी किया करती थी। बस इसी तरह मैंने बाल सफ़ेद किए, इसी काम में अल्लाह ने इज्जत मुझे दी है। गरीबों के काम आ जाती, मेरी भी रोटी पानी चल जाती है। नाज़रीन, जिस खातून की वीडियो वायरल हुई है, उस खातून को इसी बिल्डिंग में लाया गया है। एक सिजेरियन केस को नॉर्मल डिलीवरी बनाया जा रहा है और हमें ये भी बताया जा रहा है कि डिलीवरी एक दाई से करवाई जाएगी। सिजेरियन डिलीवरी की वजह से एक माँ की जान खतरे में जा रही है। जैसे भी इनको किसने बताया? वो जो वीडियो वायरल हो गई है। कौन सी वीडियो भाई? जिसमें तुम डॉक्टर की मिट्टी प्लीत कर रहे हो। कमाल है, तुम खुद भी उस वीडियो में हो और तुम्हें पता ही नहीं। ऐसे हो सकता है बिल्डिंग से भी किसी ने इनको इतला दे दी हो। क्या ये सब कुछ गुलजार ने किया? लीजिए, गुलजार का एक और कारनामा सोशल मीडिया पर। आप सारे डॉक्टर्स क्या कर दिया उसने? खुद ही देख लीजिए कि जो वो डिलीवरी जो नॉर्मल हो उसको सिजेरियन में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 25,000 रुपए कमीशन डॉक्टर को जाता है। तो इसमें क्या गलत है? क्या गलत है? अपने कमीशन के लिए, हॉस्पिटल के प्रॉफिट के लिए। अब एक चौकीदार का फोन आया था, कह रहा था कि गुलजार उसकी बेगम को अस्पताल से अपने फ्लैट में ले आए। क्या पागल हो गया है गुलजार? ये गुलजार कब दूसरों की जिंदगी में मुदाखलत बंद करेगा? जब तक गुलजार अपने लिए और हमारे लिए कोई नई मुसीबत नहीं खड़ी कर देगा ना, तब तक वो यही करता रहेगा। तो ये क्यों नहीं कहते कि आप उनके अच्छे कामों से चलते हैं? कुछ कहा तुमने? नहीं तो मतलब चाचू ने कुछ गलत तो नहीं किया? ठीक ही तो कह रही है रेदा बेटी, आजकल के डॉक्टर्स काबिले एतबार थोड़े ही हैं। लेकिन अब बात डॉक्टर्स का काम हम अपने हाथ में तो नहीं ले सकते। Exactly. और डॉक्टर्स पर भरोसा करने के सिवा हमारे पास चारा भी क्या है? एक आध डॉक्टर, एक आध अस्पताल, चलो उसकी तो समझ में आती है, लेकिन गुलजार ने जिस आग को छेड़ा है ना, उसके असरात हम तक पहुंचेंगे। बस इतनी देर हो गई है, ये कोई मसला तो नहीं हो गया? इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुमने दूसरी वीडियो भी अपलोड कर दी है? हाँ देखो, उसके भी इतने शेयर्स आ गए। और ये जो तुम इतनी वीडियोस अपलोड कर रही हो, इसके बारे में गुलजार को पता? पता नहीं, मैंने तो खुद से ही कर ली। मेरी बीवी कैसी है? बच्चा कैसा है? हाँ, क्यों घबराया है? मुबारक हो, बेटा हो इतना खूबसूरत तेरे घर। बलवा जी ठीक है? माशाल्लाह सेहतमंद। बहुत शुक्रिया। माफ करना गुलजार भाई, मैंने आपको गलत समझा, लेकिन मुझे हमेशा से पता था खान
बहुत अच्छे हो, अपना दिमाग अच्छा है। सिजेरियन डिलीवरी नॉर्मल हो गई है, बच्चा भी सेहतमंद है और माँ भी बिल्कुल ठीक है। क्या ये आपके प्रोफेशन पे सवालिया निशान नहीं है? बहुत सी डिलीवरीज को मैंने सिजेरियन में कन्वर्ट किया है, खुदा मुझे माफ करे। इतने सारे केसेस में फर्स्ट टाइम मैंने माँ और बच्चे को फील किया है, और पहली बार मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक औरत हूँ। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि माँ तो तख्लीकी होती है, तामीरी होती है, और ये कौम और नस्लों को जन्म देती है। इसके साथ नाइंसाफ़ी खुद के साथ नाइंसाफ़ी होती है, और ये एहसास मुझे गुलजार ने दिया है। ही इज़ अ ट्रू जेंटलमैन, और हमें ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। मिठाई खाओ, मिठाई खाओ। आज साहब तुम भी खाओ। सुना हॉस्पिटल में पुलिस पहुंच गई थी? जी आई साहब, आखिरी न्यूज़ ये है कि एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाएगी। पहले इंक्वायरी कमेटियों से क्या निकला है जो आप कुछ निकले? बस यही होता है जी साहब। इसे खान, तुम शुक्रिया अदा करो गुलजार का, जिसने अस्पताल वालों से तुम्हारी बेगम और पैसे दोनों बचा लिए। वैसे गुलजार मियाँ, तुम्हें कैसे यकीन था कि ये नॉर्मल डिलीवरी है? एक खातून जिसका रोज पहाड़ चढ़ना उतरना हो, वो शहर आए उसका सिजेरियन केस बन जाए, मुझे पहले से ही शक था। वो तो कुदरत ने अस्पताल की पॉलिसी बुक मेरे हाथ में दे दी, वो शक यकीन में बदल गया। मैं सबको खिला कर आता हूँ। टाइट पैट हो साइड। सरगोशी करके अपना नाम बताता क्यों? रोटी खा गई बंदे सारे, अब तो भूख बची है पीछे। सच ना निकला जाएगा ये, बस ये थूक बची है पीछे, बस ये थूक बची है पीछे। भूखे को समझाता क्यों?